नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे और भगवान आपकी खुशियों को सदैव बना के रखे, ईश्वर से प्रार्थना है। मिथुन राशि 22 से 30 सितंबर 2019 क्या कहते हैं सितारे? चौथा सप्ताह होगा सितंबर माह का, आखिरी सप्ताह होगा सितंबर माह का। क्या क्या खुशियां लाया है यह महीना, जानेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले वक्त की, कैसा होगा यह वक्त, खुशियां कब कब किन किन तारीखों में आपको मिल रही हैं, क्या सावधानी रखनी होगी हमें, क्या शुभ है क्या अशुभ है और कौन से वह उपाय हैं जो हमें समस्त कष्टों से बचाएंगे, समस्त परेशानियों से बचाएंगे, और कौन से हमारा शुभ अंक होगा, कौन सा शुभ रंग होगा और भाग्य प्रतिशत क्या होगा, इन सब की जानकारी भी आपको मिलेगी। और यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ यह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं 22 और 23 सितंबर से चंद्रमा लग्न में राहु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। राशि होगी मिथुन। आपका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर होगा, आप जमीनी हकीकत को कम समझेंगे और सपनों में अधिक वक्त बिताएंगे। आपकी आदत होगी शक करने की, आप जल्दी जल्दी दूसरों पर विश्वास नहीं करेंगे, लोगों पर शक ज्यादा करेंगे। आपका दिमाग जो है वो दो भागों में बढ़ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सही और गलत का फैसला करने में आपको बहुत वक्त लग सकता है, आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, आपका वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा। नकारात्मक विचार आने की वजह से आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा तनावग्रस्त हो सकता है, आपके व्यापार में कुछ तनाव हो सकता है या सफलता मिलने में विलंब हो सकता है। सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़े से अपने सीनियर अधिकारियों से रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संभल कर कदम उठाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, सावधानी पूर्वक कदम उठाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, जीवन के हर क्षेत्र में उपाय करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको सुखों को पाने के लिए झूठ का सहारा ना लेना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय अंतराल में आप बात बात में झूठ बोल सकते हैं, छल कर सकते हैं, कपट कर सकते हैं। आपका मूड बढ़िया रहा तो आप सभी को हंसाएंगे, यदि आपका मूड खराब रहा तो आप सभी को परेशान भी कर सकते हैं। आप आलस को कम करें और उपाय करें और बिल्कुल सही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, प्रेम संबंधों में रोमांस थोड़ा कम होगा, तो वक्त जो है वो थोड़ा सा खिंचा खिंचा रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत कुछ हानि होगी, लेकिन खुशी भी मिलने में बहुत तकलीफें होंगी या विलंब होगा। अब बात करते हैं 24 और 25 तारीख की, चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में। यह दो दिन आपके लिए बढ़िया बीतने वाले हैं, फुल चांस है कि आपको अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे इन दो दिनों में। आप भाग्यशाली होंगे, शक्तिशाली होंगे, सौंदर्य रूप रंग का जादू सामने वाले पर खूब चलेगा। आप हर काम हर पढ़ाई को समय से सीख लेंगे, यानी हर काम आप वक्त से करेंगे। हर वो बच्चा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो वक्त पर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करेगा और जल्द ही उसका रिजल्ट भी प्राप्त करेगा। और छात्रों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, हर काम में छात्र बहुत रुचि लेंगे और आपका दिमाग बहुत कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। जो भी चीज़ आप एक बार देख लेंगे, सुन लेंगे या समझ लेंगे वो आपके दिमाग में छप जाएगी और फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। आपकी जुबान बहुत मीठी होगी, आप मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत से आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होगा। आपकी धन दौलत बढ़ती चली जाएगी, कमी नहीं होगी पैसों की। आपके व्यवसाय में पैसा आने वाला है, आप बढ़िया तरीके से निवेश करके आमदनी को और अधिक बढ़ा सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। आपके परिवार में खुशहाली का माहौल होगा, आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, कुछ नए मित्र बन सकते हैं। सामान्यतः आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, आपको अपनी आँख का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, या मैं कहूँगा आँखों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। आप घर से कहीं दूर जाकर बढ़िया धन व पद की प्राप्ति कर सकते हैं या कर सकती हैं। अचानक से होने वाली यात्रा के लिए तैयार रहें और जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें और बिल्कुल भी जल्दबाजी दिखाएं भी नहीं किसी काम में। समय अच्छा बना हुआ है, सब्र के साथ आगे बढ़ते चले जाइएगा, लाभ मिलता चला जाएगा। अब बात करते हैं 26 से 27 तारीख की, चंद्रमा तृतीय भाव में होंगे सिंह राशि में। यह वक्त भी आपके लिए बहुत बेहतर कहा जाएगा या कहें आपके पक्ष में कहा जाएगा। आपकी छोटी मोटी यात्राएं काम को लेकर हो सकती हैं, आप अपने माता पिता का आदर और सम्मान करेंगे, आपको बांध कर रखना मुश्किल होगा, आप खुले विचारों के, स्वतंत्र विचारों के महिला पुरुष होंगे और खुली हवा में जीना पसंद करेंगे और किसी के दबाव पे आकर काम करना आपको स्वीकार नहीं होगा। आप धनी होंगे, धन जोड़ेंगे, पैसा खर्च भी करेंगे और सोच समझ के खर्च करेंगे, यानी पैसे का सदुपयोग करेंगे,
जहां से कमाना है वहां से कमाएंगे, जहां पर जोड़ना है वहां पर जोड़ेंगे, और जहां पर जरूरत है खर्च करने की वहां पर खर्च भी करेंगे। तो वक्त आपके लिए अभी तक बढ़िया बना हुआ है, आप शौकीन मिजाज होंगे, व्यवसाय में परिवर्तन करने या बदलाव करने की सोच सकते हैं, समाज में आपका नाम और काम दोनों आपको पहचान दिलाने वाले होंगे, आप आने वाले भविष्य को लेकर खूब सारी योजनाएं बनाएंगे, आपके शत्रु शांत रहेंगे, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, आप बहुत अच्छी तरीके से इस वक्त को बिताने वाले हैं, और थोड़े मांसाहार मांस मछली नशे की चीजों से दूर रहें, इनका त्याग करें, भाई बहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। गीत संगीत कविता लिखना, कविता सुनना, फिल्में देखना, फिल्मों की कहानियां लिखना, नॉवेल्स लिखना, इन सब में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। यदि आप इस फील्ड से हैं तो आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 28 और 29 तारीख की। चंद्रमा मंगल के साथ चतुर्थ भाव में धन योग बनाएंगे और राशि होगी कन्या राशि में चंद्रमा और मंगल की युति होने वाली है। आपको क्रोध पर थोड़ा सा काबू करना होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। आप ध्यान रखें कि आपको क्या बात करनी है लोगों के सामने, कोई मीटिंग है या कहीं पे भी आप कोई बात कर रहे हैं तो आपको क्या बात करनी है वही बात करें, डींगे मत हाँके, गप्पे मत हाँके। आप आवेश में आकर या अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए आप बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं जिनका कोई बात करने का मतलब नहीं होगा, इसलिए आप गप्पों से डीलने हाँकने से दूर रहे तो बढ़िया रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने वाला है, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, आपके घर में कुछ मांगलिक कार्यों पर चर्चा हो सकती है, आपके अधूरे काम पूरे होंगे, अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं, थोड़ा संघर्ष हो सकता है जीवन में लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी, आपके पास काम की कमी नहीं होगी, आप सभी काम जल्दी जल्दी निपटाएंगे। महिलाएं सजने संवरने फैशन में खूब पैसा खर्च कर सकती हैं, यानी रूप रंग सौंदर्य में वो पैसों का खर्च कर सकती हैं या निवेश कर सकती हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ने वाला है, नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटी वाले निशान को नहीं दबाया है तो अभी दबा दें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। अब बात करते हैं 30 तारीख की। चंद्रमा पंचम भाव में होंगे, तुला राशि में चंद्र और बुध की युति होगी, यहां पर यह वक्त आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। आप एक सफल बुद्धिमान महिला पुरुष होंगे, शौकीन मिजाज होंगे, धनी होंगे, अच्छे वक्ता होंगे और अच्छे वक्त का लाभ उठाने वाले समझदार महिला पुरुष और बच्चे होंगे, दूर की सोचेंगे, अपनी मेहनत से खूब धन कमाएंगे, खूब मान सम्मान कमाएंगे, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंध बढ़िया रहेगा, आप सत्य बोलेंगे और ईमानदारी से सभी काम वक्त पर पूरे करते चले जाएंगे, काम पूरे होते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और सफलता आपके साथ साथ चलती चली जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, बिना किसी रुकावट के आपके काम बनेंगे, भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध उत्तम होंगे, दिमाग में बुरे विचारों को लेकर ना नकारात्मक लोगों से बात ना करें, सकारात्मक भोजन करें और सात्विक भोजन करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छी जगह पे बैठे, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी चीजें देखें तो ये वक्त और भी बेहतर हो सकता है। इस सप्ताह में भाग्य प्रतिशत रहेगा 70%, 6 नंबर शुभ रहेगा और सफेद रंग आपके लिए लकी रहेगा। आपको भगवान शिव शंकर की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा, और अपनी बुद्धि को निर्मल बनाए रखने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें, सफेद चीजों का दान करने से भी आपको अत्यंत लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो यह सप्ताह आपके लिए लगभग लगभग अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है, तो इस सप्ताह का लाभ उठाएं और जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, खुशहाल रहें, हम सब आपके लिए यही कामना करते हैं। मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको इस सप्ताह की शुभकामनाएं और आप लोग अच्छे तरीके से अपना जीवन बिताएं, यही हम चाहते हैं। अब कुछ लोगों के जीवन में अच्छा होगा, कुछ लोगों के जीवन में अच्छा नहीं होगा, इसका मेन कारण होगा आपके कर्म और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है, आपके कर्म बढ़िया है तो ही आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और कुंडली में ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए आपको कुंडली की विवेचना करानी चाहिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी कुंडली की विवेचना जरूर कराएं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जिससे आपको ये ज्ञात वक्त पर हो जाएगा कि आपको क्या उपाय करने चाहिए और इन सब की जानकारी हम आपको देंगे। तो अभी फोन मिलाए दिए गए नंबरों पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पहला कदम जल्द उठाएं, अभी उठाएं। हरिओम, नमस्कार।